विश्वविख्यात हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, जो कि अपनी दो लाइना और मेरी घराड़ी से पहचान रखते हैं, लोग उनके इस व्यंग से हंसते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। वह अपनी घराड़ी से कितना डरते हैं और किस तरीके से उनके मन में अपनी घराड़ी का खौफ है, आज महिला दिवस पे वह आप लोगों के सामने हैं और वह अपनी सारी चीज़ें बताएंगे कि अपनी घराड़ी से कितना डरते हैं और वह कितना हंसते हैं या किस तरीके से अपनी घरवाली के सामने वो अपने आप को मजबूर पाते हैं और अपने आप को समझते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, आज महिला दिवस पे वह हमारे साथ हैं और वो बताएंगे अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल और कैसे वो अपने घराड़ी को परेशान करते हैं या उनके डरते हैं या उनके साथ उनका कैसा रिश्ता है। आज महिला दिवस है, इस पे आप क्या बोलेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं दिवस पर मैं यही कहूँगा कि महिलाओं को चाहिए कि महिलाओं के दुश्मन नहीं बने। आज जितने भी अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं वो महिलाओं की वजह से ही हो रही है, चाहे उसमें दूसरी औरत हो, चाहे सास हो, चाहे ये। अगर ये आपस में मिलकर के चलेंगी तो मैं समझता हूँ समाज का भी विकास होता है और एक परिवार का भी विकास होता है। आपकी दो लाइना ये शुरू से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और लोग बहुत हंसते हैं, इस चीज़ को समझते भी हैं। अगर आज दो लाइनों की बात होती तो आप क्या कहेंगे? महिला दिवस जिंदाबाद। आज आपकी अगर घराड़ी की बात की जाए तो आप अपनी घरवाली के लिए क्या बोलेंगे? मैं आज तक उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका, आज कहाँ से जुमा। क्या कभी पुरुष दिवस आए तो आप कुछ बोलने की हिम्मत दिखा पाएंगे? है? कभी पुरुष दिवस मनाया जाए, हाँ, तो आप क्या अपनी बात रखने के लिए अपनी हिम्मत जुटा पाएंगे? मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, अगर वो मना कर देगी तो नहीं जाऊँगा। महिलाओं को ऐसा संदेश जो सबके लिए अच्छा हो, समाज के लिए कुछ अच्छा हो, परिवार के लिए अच्छा हो, ऐसा क्या संदेश आप महिलाओं को देना चाहेंगे? महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बच कर रहें, अपने निर्णय खुद लें। आप बहुत कुछ कह जाते हैं मगर आपके चेहरे पे हंसी नहीं आती है, ये घरवाड़ी का डर है या आप हिम्मत नहीं जुटा पाते? नहीं, घरवाड़ी का डर नहीं है, मैं इसलिए नहीं हंस पाता हूँ कि मेरा मकसद जो है दूसरों को हंसाने का है, खुद के हंसने का नहीं। बार बार बात ना बोलूँ।